विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने खुले में कट और बिक रहे मीट को लेकर तहसील में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। पूर्वा कस्बे और तहसील के अंतर्गत सब्जी मंडी के निकट खुले स्थान में रोड पर मीट, मुर्गा, मछली आदि की अवैध तरीके से बिक्री के संबंध में विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसील में शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि मोहल्ला बेगमगंज की बाजार में एवं प्रतिदिन खुलेआम सब्जी मंडी के साथ खुले तौर मीट, मुर्गा, मछली इत्यादि बिकता है। इसी तरह से प्रत्येक गांव एवं चौराहे की बाजारों में मांस, मछली, मुर्गा काटे व बेचे जाते हैं। बाजार एवं गांव में सड़क पर होने के कारण गांव के बच्चे, महिलाएं एवं सनातनी बंधु आते जाते हैं, जिससे उनको मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा अनेक प्रकार के संक्रमण होने का भी लगातार भय बना रहता है। इसको लेकर तहसील की अध्यक्षता कर रहे CDO ऋषिराज को सामूहिक शिकायती पत्र सौंपा गया, जिसमें रामलाल खंड संचालक, विजय सिंह खंड कार्यवाह RSS, प्रखंड विश्व हिंदू परिषद मीडिया प्रभारी मनीष गुप्ता, गौरवेंद्र अवस्थी, गंगा प्रसाद वर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, चंद्रभान सिंह गौ सेवक प्रमुख, गुरु प्रसाद, राधेश्याम बाजपाई विहिप, अनूप कुमार इत्यादि लोग प्रमुख रूप से रहे। उक्त बातें शिकायतकर्ताओं ने मीडिया को बताया, आइए सुनते हैं। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। रोड पे खुले आम मुर्गा काटा जा रहा है, मछली बेची जा रही है, सब्जी के साथ में आबादी के बिल्कुल कटे हुए हमारी माताएं बहनें बच्चे से गुजरते हैं और बीमारी काफ़ी खतरा रहता है और हम सनातनी बंधुओं की भावनाएँ भी याद होती हैं। इसी के विषय में अब मैं संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र महोदय को दिया है, उचित कार्रवाई के लिए कहा। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग दोबारा फिर जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देंगे। इसमें भी नहीं होती है तो भी आगे फिर कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक खुले में मीट, मांस, मछली बिकना बंद नहीं होगा, लगातार हम लोग इसमें कार्य करते रहेंगे। आज हम लोगों ने तहसील में जो CDO साहब के समक्ष हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे पूर्वा में नगर में तमाम जगह खुले में मीट, मछली, मुर्गे की दुकानें संचालित हैं जो बिना लाइसेंस के संचालित हैं। उसके बाद खुले में मीट, मछली, मुर्गा बेचा जा रहा है। और अगर आप देख लें तो बेगमगंज स्थित जहां पर पूरा फार्म खोल रखा है मुर्गी का, और वहां पर कई दुकानें जो है मीट, मछली और मुर्गा की जो है खुले में काटा जा रहा है। उसी के कुछ कदम दूरी पर मंदिर भी है, जिससे कई हिंदू महिलाएँ और पुरुष दर्शन करने आते हैं, जहाँ पर वहाँ मीट, मछली, मुर्गा कटने के कारण जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के आज हम सभी लोगों ने माननीय श्रीमान CDO साहब को शिकायती पत्र सौंपा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि जल्द उन दुकानों को हटाया जाएगा। अगर ये दुकानें नहीं हटती हैं तो हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी के पास जाकर के सभी लोग शिकायती पत्र ज्ञापन देंगे।